हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ओरियानस डीएससी पेपर फोर यूनिट वन समालोचनार संज्ञा और स्वरूप प्रकार भेद आलोचना कर। पूर्व भिडियो में मुझे सर्ट क्वेश्चन आलोचना करी, एवं मुझे लंग क्वेश्चन आलोचना करी। क्वेश्चन नंबर वन, समालोचना क्या कहती आलोचना कर। संज्ञा स्वरूप दृष्टि समालोचना साहित्यर महत्व निरूपण कर। आमको पेपर फोर रे प्रोजेक्ट लिखा पड़ा, तेणुक यही लंग क्वेश्चन मानकर ही आम प्रोजेक्ट लिखा। समालोचना साहित्यर एक विशिष्ट विभाग रूपे स्वीकृत। साहित्यर विकास और समृद्धि पर समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्यर प्रतिफलित भाव चेतनार सार्थक उपलब्धि निमित्त समालोचनार अवदान जुगे जुगे स्वीकृत। समालोचना शब्दटी प्रकृति प्रत्यय समालोचना शब्दटी प्रकृति प्रत्यय है सम प्लस आ प्लस लुज प्लस अन् प्लस आ इक्वल टू समालोचना। विशिष्ट बंगला समालोचक त्रिशचंद्र दास समालोचनार संज्ञा देवाक जाती साहित्यर उत्कर्ष व अपकर्षर विचार मूलक सम्यक आलोचना को साधारण भाव समालोचना नाम अभिहित कराए। समालोचना सृष्टि को समीक्षा कले करे बा विचार करे। श्रीशचंद्र दास समालोचना शीर्षक आलोचन पुणी लिखिंट साहित्य जपरी ग्रंथागार आत्मप्रकाश समालोचन मध्य अनुरूप भाव समालोचक आत्ममुक्ति आत्ममुक्तिर पथ दे समालोचक पाठक को लेखक मनर सहित परिचय कराई दिए। किंतु यही आत्ममुक्ति निच्छक व्यक्तिगत नुह व्यक्तिगत काव्यानुभूति जिते काल पर्यंत सर्व मानवर प्रत्यय आलोक विभासित न हेबो सेत काल पर्यंत ताहा समालोचनार पर्याय को उन्नति हुए नहीं। द मेकिंग अफ लिटरेचर रे समालोचना संपर्क रे कुहा जाय छि जे साहित्यर यथार्थ स्रोत और ग्राहक होउछि समालोचक। साहित्य रे जहाँ कुहा जाय छि ताहा से सामग्रिक भावे बुझी पारे, तार अबुझा किछि रहे नहीं। साहित्य संदर्शन पुस्तक रे समालोचक श्री श्री श्रीशंकर श्री सचंद्र श्री सचंद्र दास को प्राच्य पाश्चात्य समालोचना पद्धति उपरे आलोकपात करने को जाए मुख्यतः आभिमुख्य दृष्टि यही पद्धति गुड़ी को केतोटी श्रेणी में विभक्त करिसंती जथा आलंकारिक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति सनातन विधि सम्मत पद्धति मनस्तत्व मूलक पद्धति व्यक्तिगत समालोचना तत्व संधानी पद्धति बा वस्तुनिष्ठ पद्धति। संस्कृत साहित्य रे समालोचना साहित्यर विकास समृद्धि पर समालोचनार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्य प्रतिफलित भावचेतनार सार्थक उपलब्धि पर समालोचनार अवदान जुगे जुगे स्वीकृत। समालोचनार इतिहास को पर्यालोचना कले संस्कृत साहित्य यार उन्मेष और विकास पर्व को लक्ष्य करा जाय थाए। साहित्य समालोचना संस्कृत साहित्य विभिन्न नाम परिचित काव्य विचार काव्यत्व काव्य मीमांसा आदि नाम समालोचना ग्रंथ मान संस्कृत साहित्य प्रणीत होता। राजशेखर दंडी रुद्रट आनंदवर्धन आदि प्रतिभाशाली व्याख्याकार समालोचक मान को नव नव आभिमुख्य समृद्ध करिसंती। आचार्य कुंतल संस्कृत समालोचना साहित्य एक नूतन धारार प्रवर्तक रूपे सुपरिचित।
परे परे आचार्य क्षेमेन्द्र मम्मट सागर नंदी आदि काव्यर दोष गुण आदि संपर्क व्यापक समालोचना करिछंती। संस्कृत भाषा साहित्य रे एक गौरवदीप्त अध्यायर उन्मोचन करिथिले विश्वनाथ कविराज। तांको साहित्य दर्पण पुस्तक संस्कृत साहित्यर एक परिपूर्ण समालोचना धर्मी अलंकार ग्रंथ। वस्तुतः और समालोचना संभवतः संस्कृत साहित्य को एक विशाल द्रुमरे परिणत करिथिले। एही विशिष्ट साहित्य समीक्षक मानंक कृतित्व अस्वीकार करा जाय न पारे। पाश्चात्य साहित्यर समालोचनार उद्भव और विकास। पाश्चात्य साहित्यर मध्य बहु दूर अतीतरु कविंक मध्यरे समालोचकर भाव सत्ता परिदृष्ट होईछि। ख्रीष्टपूर्व 405 रे होमर और आरिस्टोफेन्स कृतित्वरे एही सत्य आरोपित होईछि। मात्र पाश्चात्य साहित्यरे प्लाटो ही प्रथम विधिवत साहित्य कलार समालोचना करिछन्ति। तांकर विभिन्न कृतिरे साहित्य और कला संपर्क आलोचना होइथिले मध्य जेउ कला बा साहित्य रे आदर्श और नैतिकतार मंगल स्पर्श नाही ताकु से कठोर समालोचना करिछन्ति। पाश्चात्य समालोचनार उन्मेष और विकास घटिला ग्रीस रे। रोम विद्वान माने एहाकु अधिकतर विकसित करिथिले। सांस्कृतिक जागरण रे ग्रीस और रोम परे इटाली गुरुत्व लाभ करिथिला। प्रतिकूल परिवेश भीतर ग्रीस रो बहु विद्वान इटाली रे बास करिबा जगु इटाली रो अनुकूल परिवेश रे ज्ञान आनयन रे नूतन सूर्योदय हला। ग्रीक और रोमान समालोचनार भित्तिभूमि उपरे इंग्राजी समालोचना विकसित होईछि। स्टीफेन गोसन प्रथमे अत्यंत प्रभावशाली भावरे काव्य कविता और नाटक विरोधरे समालोचनार स्वर उत्तोलन करिथिले। इंग्राजी समालोचना साहित्यरे सिडिन प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिले। मौलिक चिंताधारा और विचार बंत दृष्टिकोण तांकु जणे उच्च कोटीर समालोचक रूपे परिचित करिथिला। सिडनिंग को परे आमर दृष्टि आकर्षण करंती बेन जॉनसन। समालोचना साहित्य रे ड्राइडन को आविर्भाव साहित्यर एही विभाग पई थिला आशीर्वाद। तांक संपर्क रे अध्यापक सौरिंद्र बारिक कहंती से प्रथम थर पई दृष्टिकोण परिवर्तन आनिथिले। से साहित्यर आंगिक उपरे गुरुत्व आरोप करिथिले। समालोचनार चेतना को शाणित करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली से अनुभव करिथिले। समालोचना साहित्य रे ड्राइडन को आविर्भाव साहित्यर एही विभाग पई थिला आशीर्वाद। तांक संपर्क रे अध्यापक सौरिंद्र बारिक कहिसंती से प्रथम थर पई दृष्टिकोणर परिवर्तन आनिथिले। से साहित्यर आंगिक उपरे गुरुत्व आरोप करिथिले। समालोचनार चेतना को शाणित करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली से अनुभव करिथिले। तांको समालोचना थिला स्वाधीन और मुक्त। ड्राइडन को समयर अन्य जेउ समालोचक माने आमर दृष्टि पत्थरुड करिछंती सेमानंक मध्यरे थॉमस रिमर जॉन डेनिस जेरेमी कोलियर इत्यादि। एही प्रभावशाली समालोचक माने निज कृति रे समालोचनार आत्मिक विभव को विकास करिथिले। अष्टादश शताब्दी रे शेष आड़क इंग्रेज समालोचना साहित्य रे नव दिग्बलय उन्मेष होई आसुथिला। समालोचनार कौनसी निर्दिष्ट नियम अर्थहीन। साहित्यर विश्लेषण ही बड़ कथा। विंश शताब्दी रे विभिन्न समय रे विभिन्न समालोचक पाश्चात्य समालोचनार आत्मिक विभव को
ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନର ପରିସର ପ୍ରତିନିୟତ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ବିବିଧତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଭିତରେ ସମାଲୋଚକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାନା ଭାବରେ ଆଭାସିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚକର ଭାବସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକର ଅନୁସରଣରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଲୋଚନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ କାକଳି ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କବି ନିଜ କାବ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଅନୁସୃତ ମାର୍ଗର ସୂଚନା ଦେବା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ତାତ୍କାଳିକ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ସମାଲୋଚନାର ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଟୀକା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦୁ ଗୀତ ବିଚାରୋଇ ଏଣୁ କରିଥିବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମହିବ ଅର୍ଥିଜନ ପ୍ରବରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ ହେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁଠି ଗୀତର ବାକ୍ ଚାତୁରୀକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଏଥୁ ଚିତ୍ତ ମୋହିତ କହି ନିଜ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ପାଠକକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନିଜ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଛନ୍ତି, ଥକେ ସ୍ଥଳ ହେବ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗୁଢ଼କୃତ ପାକ ଥକେ ପାକ ନାରିକେଳ ଖର୍ଜୁର ରଚକ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟ କବି କବିତ୍ୱ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ସମୀକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କରେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର କବିଗଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରସକଲ୍ଲଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତ୍ୱ ବନିତା କବି ତାର ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କବିତ୍ୱ ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭଗ ରସିକ ନେତା କେବେ ହେଁ ଅବା ରହି ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବୟ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ପୁଣି କବିତ୍ୱ ମଳୟ ପବନ କରି ଏହା ରସିକ ତରୁକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରେ ଏହା କ୍ଳାନ୍ତା ପରି ମନୋହର କରେ କାନ୍ତା ପରି ମନୋହର କରେ। କବି ଓ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିତ୍ୟକାଳର ସତ୍ୟ କଥା। ସ୍ଥୂଳତଃ ବିଧିବଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନାର ଉନ୍ମେଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସମାଲୋଚନାର ରୂପରେଖ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଜନ୍ମ ଶିକ୍ଷିତ
प्रतिभाशाली गोष्ठी आविर्भाव पत्र पत्रिकार पृष्ठार विधिवत समालोचनार आरंभ होता। ऊनविंश शताब्दी ओडिया समालोचना साहित्य को मुख्यतः दुईट पर्यायर विभक्त कर प्रथम टी 1866 1890 भितर लिखित समालोचना, द्वितीय 1891 1900 लिखित समालोचना। 1866 1890 ओडिया समालोचनार अंकुरोद्गम काल, यही समय ओडिशार जातीय जीवन प्रवक्तका रूपे आत्मप्रकाश करिथिला उत्कल दीपिका पत्रिका। ओडिया भाषा साहित्यर उत्कर्ष प्रदर्शन पाई दीपिकार प्रयास अविस्मरणीय। गौरीशंकर निजे एथिरे प्राप्त शिरोनामारे बहु आलोचना और समालोचना लिखिथिले। ओडिया समालोचनार प्रभाव कालरु प्राचीन साहित्य संपर्क अनुकूल और प्रतिकूल मंतव्य देवाकु मिले। साहित्य संपर्क आलोचना पाई पत्र पत्रिकार प्रवणता लक्ष्य करा जाई थिला। उत्कल मधुप पत्रिका प्रकाशन संपर्क उत्कल सभार संपादक लिखिथिले जे उत्कल सभार मुख्य पत्र भाव जो पत्रिकार प्रकाशित हेब से प्राचीन कवि मानंक काव्य कवितार समालोचना और तहिरो दोष गुण एपरिकी नूतन कवि मानंक रचित विषय मानंकर समालोचना प्रकाश पाइब। 1990 मसीहा भितर जन्मलाभ करिथिला अन्य जेऊं पत्र पत्रिकार साहित्य समालोचना प्रकाशित हेला सेगुड़िक मध्यरे संसारक, शिक्षाबंधु, नवसंवाद, ओडिया और नवसंवाद, संबलपुर हितेश्वणी प्रभृति नाम उल्लेखयोग्य। शिक्षाबंधु पत्रिकार प्रकाशित समालोचना मध्यरे राधानाथंक चंद्रभागा और मधुसूदनक आकाश प्रति समालोचना उल्लेखयोग्य। नवसंवादरे राधानाथंक नंदीकेशरी, जगमोहन लालंक सीता पुस्तकर आलोचना प्रकाशित होता। यह पत्र पत्रिकार कविता बळी और प्रबंध मानंकर समालोचना नूतन दृष्टिभंगी प्रतिफलित होता। केवल आधुनिक साहित्य नुहे प्राचीन साहित्यर समालोचना यह पत्र पत्रिकार स्थानित होता। उत्कल कविता और कवि यार प्रमाण। पत्र पत्रिकार प्रकाशित साहित्य आलोचना को से समय शिक्षित गोष्ठी आग्रह सहित पढ़ुते। ओडिया और नवसंवाद पत्र पत्रिकार प्राचीन साहित्य समालोचना विशेष भाव लक्ष्य लक्षित होता। 1990 मसीहा मध्यरे ओडिया समालोचना साहित्यर अनुध्यान कला कालरे अनुभव हुए जे आक्षेप और प्रत्याक्षेप भितरे समालोचनारे यथार्थ सत्यर उन्मोचन होपारिना तथापि यह सत्य जे भविष्य समालोचना साहित्यर यह यथार्थ भित्तिभूमि। आधुनिक काव्य धारार दुई महान कवि राधानाथ और मधुसूदन मध्य साहित्य समालोचनार लेखनी चालना करिथिले। मधुसूदन को प्रबंध मालारो समालोचना 1880 बालेश्वर संवाद वाहिका रे प्रकाशित होता। ऊनविंश शताब्दी रे तुलनात्मक समालोचनार जे भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हो सारीला ताहार प्रमाण मधुसूदन को रामायण आलोचना और अन्य केते समालोचना। मधुसूदन को रामायण समालोचनार विषय विश्लेषण चमत्कारिता साहित्य निरपेक्ष और विचारवंत दृष्टिकोण आभासित होई। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिया समालोचना साहित्यर विकास पर्व संबंध में एक बरणी दियो। ओडिया समालोचना साहित्यर द्वितीय पर्याय हो 1891 1910 मध्य। ओडिया साहित्यर अन्यान्य विभाग परी समालोचना साहित्यर इतिहास ऊनविंश शताब्दी शेष दशक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पूर्व प्रकाशित पत्र पत्रिका समालोचनार भित्ति को सुदृढ़ करिथिले। एही समय को तत्सहित अन्यान्य पत्र पत्रिका जथा उत्कल प्रभा और उत्कल साहित्यर आविर्भाव साहित्यर इतिहास दृष्टि बेस गुरुत्वपूर्ण। डॉक्टर नटवर सामंत राय भाषा उत्कल प्रभा हूँ आधुनिक समालोचना साहित्यर यथार्थ
प्रक्षापक और प्रतिष्ठापक समालोचनार एही परंपरा उत्कल साहित्य द्वारा संरक्षित ओ संवर्धित होइथिबार देखिबा को मिले। एही सब पत्रिका संबोधरे मध्यरे समालोचनार प्रकृत परंपरा गढ़ी उठिथिला। उत्कल प्रभाव पृष्ठारे ओडिया समालोचनार क्रम विकसित रूप फुटी उठिथिला। एही पत्र पत्रिकार साहित्य चर्चा सूचना विप्लव और समालोचना उत्कल काव्य समालोचना उत्कल साहित्य कवि उपेन्द्र भंज परि विषय भित्तिक समालोचना आधुनिक रुचिदीप्त पाश्चात्य शिक्षा मार्जित नूतन दृष्टिकोण गर्भित समालोचनार सार्थक उदाहरण। ऊनविंश शताब्दीर शेष भागरे इंद्रधनु और विजुली पत्रिकार आक्षेप और प्रति आक्षेप समालोचनार गठनमूलक दिग दृष्टि आदौ शुभंकर नथिला। तथापि सागर मंथन विष और अमृत मिलला परे एही मसी युद्धरु परवर्ती समालोचनार प्रस्तुति पर्व सृष्टि होइथिला। विशिष्ट प्रबंधिक तथा ओडिया साहित्यर अन्यतम स्मरणीय प्रतिभा विश्वनाथ कर भंजी ओ राधानाथीय विवादर अवसान घटाइबा पाई निरपेक्ष समालोचना करिथिले। ओडिया प्रबंध साहित्यर आदि पर्वर अन्यतम स्मरणीय प्रतिभा विश्वनाथ कर जणे विशिष्ट प्रबंधिक हेले मध्य समालोचना साहित्य को तांको अवदान आज स्मरणीय कवि उपेन्द्र भंज और गोटे उत्तर शीर्षक से समालोचना लिखिथिले। विश्वनाथ करंक मतरे समालोचना उभय निंदुकता और स्थावकतार ऊर्धर रही सत्यर आविष्कार करिबा उचित। 1997 मसीहार विश्वनाथ कर संपादक उत्कल साहित्य प्रकाशित होइथिला। एही साहित्य पत्रिका दीर्घ काल धरी ओडिया साहित्यर सेवा करिछि। ओडिया समालोचना साहित्य को समृद्ध करिबा पई एही पत्रिकार अवदान भूलिबार नुहे। एही प्रकारर एही पत्रिकार प्रथम खंडरे विभिन्न संख्यारे भाषा साहित्य कवि और कविता संपर्क समालोचना देखा मिले। मधुसूदन राव कृष्ण प्रसाद चौधरी सदाशिव विद्याभूषण भोलानाथ सामंत राय व्यतीत निजे संपादक संख्यारे संक्षिप्त समालोचना शिरोनामारे संपादक लिखिंट। समालोचना मासिक पत्रिकार विशिष्ट अंग समालोचना व्यतीत मासिक पत्रिका असंपूर्ण। आंभे माने ए पर्यंत कौनसी पुस्तकर समालोचना करिनाहुं। वर्तमान से ही गुरुत्वर कार्यरे हस्तक्षेप कलु। उत्कल साहित्यरे सुलक्षणा देवीक संपादकक निरपेक्ष विचारवंत दृष्टिर परिचय मिले। उत्कल साहित्य पत्रिकार विभिन्न संख्यार पृष्ठा अलटाइले समालोचना साहित्य को एहारो अवदान संपर्क स्पष्ट धारणा मिले। एथिरे प्रकाशित कृष्ण प्रसाद चौधरी कवि और कविता समालोचना मधुसूदन राव ओडिया भाषा भोलानाथ सामंत राय महाजात्रा और राय कवि प्रभृति समालोचनामूलक प्रबंध ओडिया समालोचना साहित्यर क्रमोन्नति प्रमाण। एही आलोचना गुड़िकर लेखक मानंक अनुशीलन पद्धति रे नूतनत्व जेपरी आभासित होइछि नूतन शिक्षालब्ध रुचिबद्ध सेहीपरी अभिव्यंजित होइछि। ऊनविंश शताब्दीर शेष दशकरे जे ओडिया समालोचना साहित्यर भित्ति सुदृढ़ होइथिला ताहा सहजरे उपलब्ध। 1900 पर्यंत ओडिया समालोचना साहित्यर इतिवृत्त को अनुशीलन कले उपलब्धि हुए जे एही समय भित्तिरे यथार्थ समालोचना साहित्यर सृष्टि हेबा संगे संगे यहार विकाश पाई अनुकूल वातावरण देखा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 4 1901 रु 1946 मध्यरे समालोचना विभिन्न दिग निरूपण कर।
1901 रु 1946 भितर ओडिया समालोचना साहित्यर गुणात्मक विकास देखा मिले। यही समय भितर उत्कल साहित्य मुखर सत्यवादी हीराखंड नव भारत सरकार ओ डगर प्रभृति पत्रिका अनुकूल परिवेश सृष्टि करिछन्ति। भाषा साहित्य अलंकार शास्त्र ओ प्रत्नतत्व प्रभृति विविध विषय रे बहु उन्नत समालोचना यही समय काल मध्यरे प्रकाशित होई ओडिया समालोचना साहित्यर परिसर को दीर्घायित्व करिबा संगे संगे नुआ नुआ संभावना रे भरी देछि। यही समय भितर उन्नत समालोचना पाई जेउ माने प्रशंसित होइछन्ती सेमानंक मध्यरे श्याम सुंदर राजगुरु नंद किशोर बल मृत्युंजय रथ गोपीनाथ आनंद शर्मा नीलकंठ दास नंदी तारणी चरण रथ विनायक मिश्र गिरिजा शंकर राय नाम उल्लेखयोग्य। एमानंक व्यतीत मोहिनी मोहन सेनापति शशिभूषण राय गोपबंधु दास घनश्याम दास श्याम सुंदर नंद प्रभृति लेखक माने मध्य एही विभाग को समृद्ध करिबा पाई प्रयास करिछन्ति। विंश शतकर प्रथम चारि दशक मध्यरे समालोचना साहित्यर विकास पाई उत्कल साहित्य समाज नवयुग साहित्य संसद और प्राच्य समितिर अवदान विशेष स्मरणीय। एही समय सीमा मध्यरे अवस्थित पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा ओडिया साहित्यरे जणे ख्यातनाम गवेषक तांकर असाधारण प्रतिभा ओडिया समालोचना साहित्यरे देखिबा को मिले। सारला महाभारतर समालोचना श्रीमद् भागवत आलोचना दांडी रामायण आलोचनारे विपुल पांडित्य ओ अनुशीलन रीतिर जेउ परिचय देइछन्ति ताहा ए पर्यंत अनतिक्रमणीय होई रहिछि। सारला महाभारत को समालोचक श्री नंद शर्मा चारोटी पर्यायर विभक्त करी आलोचना करिछन्ति। सेगुड़िक हला विषय ओ वैषम्य भाषा ओ साहित्य कवि परिचय ओ उपसंहार तांको श्रीभारत दर्पण समालोचना साहित्यरे निश्चित एक माइलखुंट। साहित्य समालोचनार इतिहास रे श्रीभारत दर्पण ओ असंपूर्ण श्रीमद् भागवत रचना नूतन अध्याय सृष्टि करि परिछि। पंडित मृत्युंजय रथ समकालीन समयर अन्यतम कृति गवेषक एही प्रतिभावान समालोचक उभय प्राचीन और आधुनिक साहित्यर समालोचना रे निज सिद्ध हस्त तार परिचय देछन्ति। तांक सारला रचित चरित ओडिया समालोचना साहित्य को अनुवाद्य अर्घ्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंक जीवनी और साहित्य कृतिर आलोचना बलराम दास और ब्रह्मांड भूगोल गंजामर राजकवि स्वर्गत फकीर मोहन ब्रह्मक मधुसूदन और कविवर राधानाथ प्रभृति समालोचनात्मक प्रबंधर समालोचक मृत्युंजयंकर गवेषणा विषय विश्लेषण में चमत्कारिता और अंतर्दृष्टि परिचय मिले। समालोचक तारिणी चरण रथ से समय अन्यतम गवेषक थे। ओडिशार प्राचीन कवि मानकर जीवनी और साधना संपर्क तथ्यानुसंधान सहित आधुनिक साहित्यर मध्य अनुध्यान और अनुशीलन करते साहित्यर इतिहास प्रणयन से आग्रही हो प्रथम उत्कल साहित्यर इतिहास प्रणयन करते। ओडिया समालोचना साहित्यरे श्याम सुंदर राजगुरु गवेषणात्मक आलोचना गुड़िक एक विशिष्ट स्थान अधिकार करिछि। प्रबंध बळीर प्रबंध गुड़िक गवेषणा रे आंतरिकता फुटि उठिछि। आज आलोचना समाप्त करुच्छी। परवर्ती वीडियो रे अन्य लंबे क्वेश्चन आलोचना करिबि। नमस्कार।